कल रात को वी हैड अ गुड डिनर विथ वेरी सिंपल लाइक दाल रोटी एंड मिक्स वेज एंड वी स्लेप्ट इट लाइक यू नो बिकॉज होल डे वाज रियली आई वाज वेरी टायर्ड सो राइट नाउ आई एम रियली मूविंग अहेड एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या वो कर सकते हैं पुरानो शेदिनेर कथा भूल भी किरे চোখের দেখা প্রাণীর কথা সে কি ভোলা যায়। This is a mirror image though it will look different. So अभी मैं हूँ विश्व भारती कैंपस में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में और मेरे लिए यहाँ पे घूमना इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक। आज से ठीक आठ साल पहले मैं यहाँ पे आई थी एक टूरिस्ट की तरह घूमने और अभी मैं आई हूँ एक ब्लॉगर की तरह घूमने। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते बंद है लेकिन मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है और स्पेशली मैं खुद मेरा पूरा बचपन मैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में बीता है और मैं इस जगह से इतना ज़्यादा एसोसिएट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे भी बहुत सारे साल इस तरह की यूनिवर्सिटी में बीता है एंड आई कैन फील सो कनेक्टेड। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो राइट नाउ आई एम जस्ट नियर माई रिसॉर्ट कोर्निका रिसॉर्ट। मीन वाइल आई विल शो यू दैट द पेस एज वेल और आप देख भी चुके होंगे भाई। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, ये कोई पियर्सन हॉस्पिटल का है। अभी मैं विश्व भारती में हूँ जो यूनिवर्सिटी का एरिया है और यहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग बोलपुर और विश्व भारती के बारे में जान लेते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा आसपास की जगह ले चलती हूँ। टुडे आई विल टेक यू टू अ विजिट एट विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांतिनिकेतन। बिफोर दैट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ स्नीक पीक ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। बंगाली जहाँ पे हो सबसे ज़्यादा वो प्राउड फील करते हैं अपने सबसे बड़े कवि जिसको हम लोग कहते हैं लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। बीइंग ब्रॉट अप इन UP मेरे लिए रविंद्रनाथ टैगोर का एक परिचय यही था कि वो फर्स्ट नोबेल लॉरिएट थे इंडिया से और बिकॉज मैं डांस में बहुत इंटरेस्ट रखती थी तो बहुत सारे रविंद्र संगीत के ऊपर रविंद्र संगीत नृत्य नाटिका के ऊपर बहुत सारा डांस वगैरह करती थी तो यही मेरी टोटल जानकारी थी उनके बारे में। इससे पहले भी मैं शांतिनिकेतन घूमी हूँ और उस समय मैं ब्लॉगर नहीं थी तो अभी मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से आपको कोशिश करूँगी बिकॉज़ ये कोविड का समय है, शायद बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली ओपन नहीं है एंड अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे पास बहुत कम समय है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं जितना भी हो सके ले चलूँ और दिखा सकूँ शांतिनिकेतन। विश्व भारती इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी An institution of national importance located in Shantiniketan at West Bengal. It was founded by Rabindranath Tagore, who called it Vishwa Bharati. अभी मैं जा रही हूँ, एक मैंने ऑटो लिया है ई रिक्शा और वहाँ पे मैं छोटे 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 जगह में जाऊँगी और आपको मैं दिखाती रहूँगी शांतिनिकेतन जहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है और वहाँ की छोटी छोटी चीजें और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। Soon after independence, the institution was given the status of Central University in 1951 by an act of the parliament. The origin of this institution date back at 1863 when Devendranath Tagore was given an area of land by Zamindar of Raipur, Zamindar for Kirnahar, and he set up an ashram at the spot called Chatim Tola, at the heart of the town. In 1901, his youngest son Rabindranath Tagore established a co-educational school inside the premises of the ashram. So let's visit the campus of Vishw Bharati University. These are the hostels. ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी वहाँ का हॉस्टल है। ये सारे स्टाफ
क्वार्टर्स है। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग नियर बाई सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ विश्व भारती। आई कैन एसोसिएट विद इट बिकॉज मैं BHU से हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई वहीं पे की हूँ। फॉर लॉन्गेस्ट 40 ईयर्स माई मदर वर्कड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज सेंट्रल लाइब्रेरी, गायकवाड लाइब्रेरी में थी, तो मैं इस जगह को बहुत एसोसिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज, ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई होती है जो उसके विषय में पढ़ाया जाता है। सो इट्स अ वेरी मच लाइक यू नो लाइब्रेरी इज समथिंग वेरी पायस टू एवरीवन दोज हु आर इनटू एकेडमिक्स। यहाँ पे अभी जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये ओपन क्लासरूम है प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, मृणालिनी आनंद पाठशाला यहाँ पे ये है। और वो जो छोटा सा उनका वहाँ पे घर है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो वाइफ है, जब उनका डेथ हुआ था तो जोरा शाखों से उनकी उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे देहोली बाड़ी में रखा गया था कुछ समय के लिए। और यहाँ पे ये ओपन क्लासरूम चीज़ें हैं, बट अभी कोविड प्रोटोकॉल के चक्कर में बंद है। और अभी तो सुबह के वैसे भी 7:30 बजे हुए हैं, सो और इवेंचुअली टुडे इज संडे, सो दिस इज़ द होल एरिया। ये भी मैं बता दूँ, इस घर की खास बात है, जब देख रहे हैं यहाँ पे 1910 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नावल पूरा लिखा था जिसका नाम आपको मालूम होगा गोरा। सो ये जगह उसके लिए भी बहुत खास है। जो देख रहे हैं जिसको हम लोग बांग्ला में बॉडगाज कहते हैं, बनियान ट्री, बरगद का पेड़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको कहते हैं तीन पहाड़ी बॉडगाज। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर है वो थोड़ा यहाँ से दूर 3 किलोमीटर कोपाई नदी है वहाँ से ये छोटा सा पेड़ उठा के लाए थे और 3 पत्थरों के साथ इसमें लगा दिए थे। तो और ये बड़ा होके और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी कविता लिखी है। हमारे बंगाल में एक शौखोज पाठ बोल के एक किताब में द फर्स्ट पेज में ये पिक्चर और ये जो जो बरगद का पेड़ है उसका पिक्चर लगा हुआ है। जो ये एरिया देख रहे हैं इसको हम तालध्वज बाड़ी बोलते हैं। ये बेसिकली ये एक हट बना हुआ है, उसके ठीक बीच से एक पेड़ गया है जिस पेड़ का नाम है तालगाज। और इस पे एक पोएम भी लोग बोलते हैं, तालगाज एक्पा, आई डोंट नो बंगाली, दे मस्ट बी नोइंग द फुल राइम जो यहाँ पे रहे हैं पढ़े हैं, बट मैं कभी कभी सुनती हूँ लोगों से तालगाज एक्पा। सो यहाँ पे बट कभी कभी ये हफ्ते में 2 दिन खुला जाता है, मंगलवार और शुक्रवार, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। और यहाँ पे जो जो ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं वो यहाँ पे बाटिक जो प्रिंट है, यहाँ पे बहुत फेमस एक प्रिंट है बाटिक प्रिंट, उसके ऊपर लोगों को काम सिखाया जाता है। तो ये अपने में बड़ा फैसिनेटिंग जगह है। ये जगह देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहते हैं उपासना मंदिर, यहाँ पे वो बेल्जियम शीशे का पूरा बना हुआ है, यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन खुलता है और यहाँ पे लोग सुबह प्रेयर करने के लिए आते हैं। ये जो अभी आप घर देखेंगे इसको कहते हैं शांति निकेतन बाड़ी। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर 12 साल की उम्र में आए थे और बहुत दिन यहाँ पे रहे थे और यहीं से सारी चीज़ें शुरुआत हुई। और अभी तो ये घर 2 साल से बंद हुआ पड़ा है, जो बड़ा सा एक मैंशन जैसा है, बट ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है। और इसकी मतलब यहाँ से भी एक्चुअली वो जो विश्व भारती का जो कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं समझ में आती हैं कि क्यों यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाया गया। ये म्यूजियम एरिया है, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड बहुत सारे उनके घर, उनका उनके कपड़े, उनका जो सारी चीज़ यूज़ करने वाली चीज़ें, बिकॉज कोविड के चलते ये 2.5 साल से ये जगह बंद है। बट ये भी अगर आप जो रविंद्रनाथ टैगोर को जानना चाहते हैं उनके बारे में आप विजिट कर सकते हैं।
ये जगह आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं नाट्य घर। ये पूरा एक हॉल जैसा बना हुआ है और यहाँ पे विश्व भारती में जो सारे ड्रामा और नृत्य नाटिका इसका रिहर्सल होता है यहाँ पे किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपना जो नृत्य नाटिका था रक्त कौरवी, ये यहाँ पे परफॉर्म करवाए थे। ये हमारा आर्ट्स फैकल्टी है यहाँ पे विश्व भारती में, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग नो स्कल्पचर बना हुआ है। ये पूरा एरिया विश्व भारती का कला भवन है, और ये जो स्कल्पचर देख रहे हैं भास्कर राम किंकर देव का बनाया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये किसी दृश्य को देख के बनाया गया है और 2 फुट की दूरी से इसको बनाया गया है, इसके पास बिना टच किए हुए। ये जो घर देख रहे हैं ना, ये आर्टिस्ट नंदलाल बोसु उनका घर है और यहाँ पे वो रहा करते थे। अभी केयर टेकर इसको ध्यान देते हैं। ये नंदलाल बोसु जो क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, बांग्ला में जो सहज पाठ बोलते हैं उस बुक में जो सारी जो पेंटिंग हुई थी, जो ड्राइंग्स बने थे, वो नंदलाल बोसु के बनाए हुए थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी का जो हॉस्टल है, आर्ट्स डिपार्टमेंट का हॉस्टल है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट स्कल्पचर पेंटर रहते हैं। ये हॉस्टल भी, बॉयज़ हॉस्टल भी उन्हीं के नाम पे, नंदलाल बोसु के नाम पे बनाया गया था। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन का घर है। सो ये नॉर्मली बंद रहता है, वो कभी कभी आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, साल में एक बार शायद, अभी तो उनकी उम्र हो चुकी है। बट ये भी एक हेरिटेज बिल्डिंग भी आप कह सकते हो, बट अमर्त्य वेरी फेमस इवन टूरिस्ट स्पॉट, जो लोग आते हैं इसको देख के जाते हैं। सो आफ्टर ई रिक्शा राइड मैं अभी जा रही हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ, माय होम स्टे कॉटेज, नॉट कॉटेज, इट्स अ बागान बाड़ी, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मैं इस तरह की जगह में जब भी आती हूँ ना, लाइक स्पेशली विश्व भारती कैंपस, तो आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक, लाइक आई एम आल्सो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन BHU, लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। अगर मैं कभी आपको BHU का भी ब्लॉग बना के दिखाऊंगी, और मेरा BHU से ज़्यादा बड़ा है, सो इट्स रियली फील वंडरफुल। एंड राइट नाउ इट्स अ टिपिकल विंटर मॉर्निंग, इट्स रियली यू फील ग्रेट। आप दूर से कहीं आते हो और कोई अपने आप को मिल जाते हैं, और हियर आई एम, मैं जहाँ पे रहती हूँ कोर्निका रिसोर्ट, एक दिन के लिए आई हूँ, जस्ट मैं वॉक डाउन की, इनका घर मुझे इतना सुंदर लगा, तो जस्ट शी वॉज स्टैंडिंग हियर एंड आई थॉट कि शुड आई कम इनसाइड, wonderful music, yeah. So I thought that, you know, I asked her that whether I can come, and she was so welcoming, you know, she asked me to come here, and such a, and she visited Varanasi many a time, so I can invite you, I'm inviting you to come to my place and visit, and I shall help you definitely. There are 2 schools in Vishwabharati, Vishwabharati University in Shantiniketan. One is Patababan and is Sikkhachatra. Patababan is called back Brahmachari Ashram, so it's founded by Sri Gurudev Rabindranath Tagore. So its age is of the school is 121 years. So I am born and brought up in Shantiniketan, and also I want to like travel and etc. I am the art teacher of the school. 1 week I have holiday. Our new session will start from 3rd January. So I am just relaxing for a few days with my garden. I'm very meet to find Nobina. I'm very happy. So thank you so much, Nobina. The wonderful meet. Now I am back to my resort.
आप अनजान जगह आते हो, अनजान लोगों से मिलते हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत अपना जैसा लगता है. एंड दैट इज व्हाट अ वंडरफुल लाइफ ऑफ अ व्लॉगर, यू नो. ये बात जर्नलिज्म और नॉर्मल टूरिस्ट में नहीं होता, जो व्लॉगर में जो कनेक्शन बन जाता है जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है. इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. सो सून वी विल स्टार्ट एंड विल बैक टू कोलकाता. Here I am at Vishwabharati campus. Inside there are few shops are there, and the morning breakfast is kochuri, torkari. So I'm just having it. After day long visit to Shantiniketan for 24 hours, so now we are moving to our own destination, that is Kolkata. So if you like the video, Shonajuri, Posh Mela, Shantiniketan, so don't forget to like, share and subscribe to Novina D Amateur. For the latest update, please hit the bell button. Till then, take care. हम लोगों ने अभी अपना लंच खत्म किया और उसके बाद अभी हम लोग डायरेक्टली कोलकाता जाने वाले हैं. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नोबिना डी एमेच्योर.